चारा चौल घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के बाद शिवसेना नेता संजय राउत को 4 अगस्त तक ईडी की हिरासत में रखा गया है। आज उस हिरासत की अवधि समाप्त हो रही है। ईडी उन्हें आज फिर से अदालत में पेश करने जा रही है। इस बार पूरे राज्य का ध्यान इस बात पर है कि ईडी उन्हें फिर से हिरासत में ले पाती है या उन्हें जमानत मिलती है। संजय राउत ने पात्रा चौल घोटाले से मिले पैसों का इस्तेमाल अलीबाग के किहिम बीच स्थित 10 प्लॉटों को खरीदने में किया। आवश्यक राशि प्रवीण राउत ने संजय राउत को दी। ईडी ने स्पष्ट किया है कि संजय राउत के भाई प्रवीण राउत गुरु आशिक कंस्ट्रक्शंस के निदेशक है और वो इस मामले में मुख्य आरोपी है। ईडी ने कथित पात्रा चौल घोटाले के सिलसिले में मंगलवार को मुंबई में भी 2 जगहों पर छापेमारी की। ये भी स्पष्ट किया गया कि इन 2 परिसरों में से एक में फर्म हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के कैशियर का आवास शामिल है और दूसरा परिसर कंपनी का है। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।